नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और यह है हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जहां हम बात करते हैं सेहत की। जब बात आती है सेहत की और बात आती है ऐसी बीमारियों की जिन बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ अक्सर समाज में भेदभाव होता है, और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन बीमारियों के बारे में कम जानकारी की वजह से अक्सर हम उन रोगियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें कभी किसी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक बीमारी है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी। मिर्गी को लेकर समाज में डर व्याप्त है, लोगों के मन में भय व्याप्त है और जरूरत है जन जागरण की। आप सभी से हम यही उम्मीद करते हैं कि #SeizeTheEpilepsyDragon के नाम से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा कीजिए। हमसे मिलने वाली जानकारी को भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी हैशटैग के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि मिर्गी के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सके और मिर्गी के रोगियों को समानता से जीने का अधिकार मिल सके। तो चूंकि ये जन जागरण अभियान है, तो ऐसे में जन जागरण के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जो आपके मन के हर सवाल का जवाब देगा, आपके मन की हर भ्रांति को दूर करेगा। मेरे साथ सबसे पहले जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत श्रृंगी, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और सुधा अस्पताल कोटा में आप इस वक्त कार्यरत हैं। इसी के साथ मेरी दूसरी मेहमान है डॉक्टर रेणु खमेसरा जी, आप मेडिसिन में MD हैं, आपने DNB न्यूरोलॉजी में किया है। इसके अलावा आप न्यूरोलॉजी विभाग गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर में इस वक्त बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं, आपका स्वागत है। इसी के साथ डॉक्टर इंदर पुरी जी भी मेरे साथ हैं, आप न्यूरोलॉजी के ही प्रोफेसर हैं, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में आप पढ़ाते हैं। आप तीनों का ही जी राजस्थान के मंच पर स्वागत। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर रेणु जी का। डॉक्टर रेणु जी, आसान भाषा में समझाइए, सरल भाषा में समझाइए, मिर्गी क्या है? के बारे में ये भ्रांतियां जो हैं उसे हर मनुष्य को समझना चाहिए कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है छूत वाली। ये मेरे लिए एक विषय है बताने के लिए कि आपको इससे डरना नहीं है, इसका इलाज है, इसका इलाज करवाना है, और इलाज में कृपया अपनी इच्छा से इलाज बंद नहीं करना है। कभी भी ऐसा मौका मिले कि नहीं मेरे को 2 साल हो गए हैं और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब फिर दवाई लिख देते हैं, कृपया करके दवाई बंद नहीं करें बिना पूछे हुए। सेकेंडली, इसमें शादी में, ड्राइविंग में इन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आदमी आराम से शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। उस लड़की को ये नहीं सोचना है कि मुझे मिर्गी है तो मैं शादी कैसे करूं, मैं ससुराल वालों को कैसे बताऊं। कोई डरने की बात नहीं है, जैसे अपने को दूसरी बीमारियां हैं वैसे ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज 80% संभव है। तो कृपया इस बीमारी से डरे नहीं, इसको समाज में एक जो कलंक जैसा माना जाता है वो नहीं रखें। प्लस कुछ जो चीजें समझनी है केयरटेकर को और पेशेंट को, उनका ध्यान रखें। तो दवाई कृपया करके बंद नहीं करें जब तक हम नहीं कहते। डॉक्टर इंदरपुरी, क्या मानसिक तनाव मिर्गी का कारण बन सकता है? मेंटल स्ट्रेस कैन कॉज एपिलेप्सी। ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या है। मेंटल स्ट्रेस जो है मेडिकल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो ये सीधा सीधा दो जो डिजीज है उससे रिलेटेड है। मेंटल स्ट्रेस से हम रेस्पॉन्स ये समझेंगे कि या तो वो पेशेंट एंशियस है या पेशेंट डिप्रेस है। ये मेंटल स्ट्रेस का अल्टीमेटली उसके दो डिजीज में वो प्रेजेंट कर सकता है। अगर सीधा सीधा ये कहीं कोई कहे कि क्या मेंटल स्ट्रेस से एपिलेप्सी हो सकती है, तो उसका आंसर है नो। लेकिन मेंटल स्ट्रेस और एपिलेप्सी का कितना जुड़ाव, गहरा जुड़ाव है, ये मैं आप दर्शकों को समझाना चाहूंगा। जैसे हमारी दैनिक जीवन की जो भी हमारे सिचुएशन है उसके हिसाब से कोई मरीज मेंटल स्ट्रेस फेस कर सकता है और उससे वो एपिलेप्सी की तरफ जा सकता है। कैसे जा सकता है कि मेंटल स्ट्रेस से वो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो किसी तरह के ड्रग्स यूज कर सकता है। वो ड्रग्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस और उस ड्रग के यूज से उसको एपिलेप्सी या ऐसे कहें मिर्गी का दौरा आ सकता है। अब अगर मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई नशा करता है तो वो नशे को ज्यादा मात्रा में लेने से या नशे को अचानक से छोड़ देने से मिर्गी आ सकती है। इसी तरह मेंटल स्ट्रेस के लिए जो विभिन्न तरह की दवाइयां मरीज यूज करते हैं उसके ज्यादा उपयोग से या उनको अचानक से छोड़ देने से भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। उसके अलावा जो मिर्गी के रोगी है या जो अन्य बीमारियों के जो क्रोनिक बीमारियां हैं उनके मरीजों में ये देखा गया है कि वो डिजीज की वजह से, किसी को लंबी बीमारी है तो उसको ये साधारण सा है कि उसको स्ट्रेस होगा और उस स्ट्रेस से
जो दवाई या जो ट्रीटमेंट है वो प्रभावित होता है, और ज्यादातर जो चिकित्सक है वो डिजीज जो बीमारी है उसका तो करते ही अलावा साथ में जो एसोसिएटेड स्ट्रेस है उसके लिए भी वो दवाइयां देते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस और एपिलेप्सी आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि मेंटल स्ट्रेस से एपिलेप्सी हो सकती है, पर हाँ मेंटल स्ट्रेस वाले मरीज को और साथ में अगर दौरे आ रहे हैं तो उसका इलाज जिसको मेंटल स्ट्रेस नहीं है उससे अलग होगा। हमें मरीज के मेंटल स्ट्रेस का भी इलाज करना पड़ेगा और उसकी एपिलेप्सी का भी इलाज करना पड़ेगा, उसको एपिलेप्सी मिर्गी रोग के लिए भी दवा देनी पड़ेगी, साथ साथ में उसके मेंटल स्ट्रेस को कम करने के भी उपाय हमें बताने पड़ेंगे। जैसे बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमें मेंटल स्ट्रेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा और हमारे दैनिक जीवन में जो स्ट्रेस का कारण है उसको देख के उसको कम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो मेंटल स्ट्रेस और एपिलेप्सी आपस में इतने गहरे संबंध है कि कई बार जो है दवाइयां मिर्गी रोग की दवाइयां काम नहीं करती, क्योंकि उसका कारण होता है कि मरीज अत्यधिक मेंटल स्ट्रेस की वजह से या तो बहुत ज्यादा एंशियस है या बहुत ज्यादा डिप्रेस है, और कई बार जो है उससे मरीज में नए तरह के दौरे भी आने लग जाते हैं जो जिसको हम स्यूडो सीजर या छद्म दौरे भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मरीज को जो सच्चे दौरे आ रहे हैं या छद्म दौरे आ रहे हैं। वो अगर छद्म दौरों को सच्चे दौरे समझ लेता है तो वो मिर्गी रोग की दवाई बढ़ाता जाता है, और अगर वो उसको सच्चे दौरे को छद्म दौरे समझ लेता है तो उसकी दवाई कम करता है। तो ये इसलिए मरीज को पूर्णतया अपने चिकित्सक को बताना चाहिए कि वो कितना स्ट्रेस फील कर रहा है, और चिकित्सक जो उसको इलाज कर रहा है उसको भी मरीज को पूर्णतया देखना चाहिए कि मरीज के वर्क रिलेटेड, उसकी लाइफ रिलेटेड और रोग के कारण जो रेस्पॉन्स है उसमें कहीं वो स्ट्रेसफुल और तनावग्रसित तो नहीं है, और उसका पूर्णतया उसको इलाज प्रदान करना चाहिए जिससे उसका मिर्गी रोग भी नियंत्रित होगा और उसका मरीज तनाव मुक्त भी रहेगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। डॉक्टर प्रशांत, आपका रुख करना चाहूंगा, क्या मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सामान्य हो सकता है? आपकी सेक्सुअल लाइफ पर कोई अंतर आता है क्या मिर्गी होने से? Persons with epilepsy can have normal married life and they can conceive, they can bear normal child life along with normal pregnancy. So data suggests that in 30% patient of epilepsy during pregnancy seizure frequency increases, and along with 30% patient seizure frequency decreases. But if any female during pregnancy taking good compliance with anti-epileptic drugs, he can conceive a normal child. And after postpartum period, they can means breastfeed their child normally. So basic crux is कि patient को अगर इस चीज से दूर रखना है कि हम अगर आपको epilepsy है तो हम शादी नहीं कर सकते और शादी करेंगे तो बच्चों में defect होगा, नहीं, ये total false है। Patient normal epilepsy वाला शादी कर सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल बेबीज पैदा कर सकते हैं, और अगर वो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट लेंगे तो बेबीज में कोई बर्थ डिफेक्ट भी नहीं आता है। ठीक है, मैं डॉक्टर रेणु खमेसरा जी का रुख कर लेता हूँ। रेणु जी, अक्सर हम सुनते हैं कि फिट्स आ रहे हैं, तो फिट्स आने में और मिर्गी का पीड़ित होने में दोनों में कितना अंतर है? एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, ये मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें अंगों का हिलना, मुंह खुला रहना या झाग आना, आंखों का खुला रहना का काफी सारे लक्षण होते हैं, परंतु समझने के लिए चार शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसमें से एक शब्द है फिट, दूसरा है कन्वर्शन, तीसरा है सीजर और फोर्थ है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा दौरे पड़ना आवश्यक है। पहले दौरे में एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए अगर मरीज कहता है कि मुझे मिर्गी है या तान आती है तो ये शब्द जो है वो कॉमन मासेस के लिए है। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी में फिट वर्ड है वो भी कॉमन मासेस के लिए है। तो फिट मतलब एक दौरा पड़ना, अगर वो दौरे में शरीर हिलता है तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं, और अगर
ये चीज से ये प्रक्रिया पता चले कि ये सीजर की तरफ जा रही है। सीजर मतलब शरीर में कुछ तरंगें बनती हैं ब्रेन के अंदर जो कि उसको उत्तेजित करती हैं। उत्तेजित होने के बाद में शरीर में कंपन आ सकती है या भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की मिर्गी हो सकती है। अगर वो मिर्गी के सीजर जिसको बोलते हैं अगर दो से ज्यादा होते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। फिट जो है वो एक लेमैन टर्म है। फिट को हम हिंदी में दौरा बोलते हैं या तांड बोलते हैं और एपिलेप्सी को हम मिर्गी कहते हैं। तो बार बार दौरा पड़ने से मस्तिष्क की गड़बड़ी उसके लक्षण आने लग जाते हैं और बिना किसी उत्तेजित जैसे कि सपोज किसी को मलेरिया हुआ या किसी को टाइफाइड हुआ या किसी को बहुत तेज बुखार आया इनकेफेलाइटिस हुई हर्पीस हुआ उस पे अगर उसको मिर्गी आ रही है तो उसको हम मिर्गी की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं क्योंकि वो उत्तेजित होने का कारण कुछ और है। पर अगर बिना किसी उत्तेजना के अगर दौरे पड़ रहे हैं उसको हम मिर्गी की डेफिनेशन में लेते हैं या एपिलेप्सी की डेफिनेशन में लेते हैं। तो जो फिट वर्ड है वो जैसे मैंने बताया ये एक कॉमन मास्टर्स के लिए टर्म। अगर वो घर पे आके बोलेगा या हॉस्पिटल आके बोलेगा या वीडियो भेजेगा या अगर हमारा रेसिडेंट हिस्ट्री लिखेगा तो उसमें वो वर्ड एपिलेप्सी नहीं लिखेगा वो फिट लिखेगा कि पेशेंट ने चार थ्रो किए फिट्स या फोर फिट्स वर थ्रोन बाय द पेशेंट मतलब चार बार उसको दौरे पड़े। जैसे मैं आपको बताऊं सपोज जैसे मैं बैठी हूँ और बैठे बैठे मेरे को कुछ हो गया मिर्गी का दौरा चालू हो गया तो मैं ऐसे मुंह चलाऊंगी इधर उधर देखती रहूंगी हाथ के कुछ मूवमेंट्स करूंगी नाक पोंछूंगी थूकूंगी या ऐसी कुछ एक्टिविटी करूंगी तो वो दौरा स्टार्ट हो गया है। इस दौरे के साथ साथ ये छोटा दौरा है इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं और इस दौरे के बाद में वो मरीज पूरा बेहोशी स्थिति में चला जाएगा और वो गिर जाएगा। गिरने के बाद में कड़क होके इस तरह से हिलेगा तो ये जो हिलना है इसको हम कन्वर्जन बोलेंगे आम भाषा के लिए क्योंकि इसमें मरीज हिल रहा है। पर अगर मरीज हिल नहीं रहा है और सिर्फ उसकी एक्टिविटी हो रही है जैसे इतनी सी होकर रह गई तो वो इसको हम एब्सेंस सीजर बोलेंगे जिसमें मरीज सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपना काम करते हुए रुक गया। अगर वो करते करते हिलने लग जाता है तो वो एक अलग तरह की मिर्गी है। तो सिर्फ ऐसे झटके खा रहा है ऐसे झटके खा रहा है या आंख के फड़फड़ाहट के झटके खा रहा है या चलते चलते गिर जाता है वो एक अलग तरह की मिर्गी है। तो मिर्गी अनेक अनेक प्रकार की होती है अनेक अनेक कारणों से होती है वो सब हम आपको समय अनुसार बताते रहेंगे। पर अपने को समझने के लिए अगर दौरा बोलते हैं या तांड बोलते हैं तो अगर एक आया है तो उसको दौरा या तांड बोलेंगे अगर दो से ज्यादा आए हैं तो उसको हम मिर्गी बोलेंगे। तो मिर्गी बहुत सारे कारणों से हो सकती है किसी को टीवी देख के हो सकती है किसी को पढ़ते हुए अरिथमेटिक करते हुए हो सकती है किसी को गर्म पानी सिर पर डाले उससे हो सकती है कारण अनेकानेक हो सकते हैं पर दो या दो से ज्यादा होंगे तो उसको मिर्गी कहा जाता है। अगर एक है तो उसको दौरा या तांड कहा जाता है। तो अंग्रेजी में हम चार शब्द यूज करते हैं फिट कन्वर्जन सीजर एंड एपिलेप्सी। फिट मतलब अगर उसको अपनी भाषा में मरीज समझाता है या हम हमारी कहानी जब लिखते हैं हिस्ट्री लिखते हैं तो हम उसको फिट वर्ड यूज करते हैं। अगर उसी फिट में हिल रहा है शरीर मोटर एक्टिविटी हो रही है तो उसे हम कन्वर्जन कहते हैं। परंतु अगर एक्टिविटी में कोई हिलना नहीं हो रहा है तो सेंसरी हो रहा है तो उसको सेंसरी सीजर बोलेंगे। पर अगर हिल रहा है शरीर उसका तो उसको कन्वर्जन बोलेंगे। और सीजर की डेफिनेशन में है कि जो ब्रेन के पार्ट जिससे वो उत्तेजित हुआ और ये किरणें तरंगे बनी जिसकी वजह से उसको ये एक्टिविटी होके ये दौरा पड़ा उसको हम सीजर कहते हैं और जब दो बार पड़ जाए तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है डॉक्टर इंदरपुरी आप मुझे बताइए कि क्या फिट्स आने से या मिर्गी के दौरे पड़ने से आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है यानी कि हमारे दिमाग में कोई क्षति हो सकती है क्या इसकी भी संभावना बनी रहती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सीजर कॉज ब्रेन डैमेज एब्सोल्युटली ब्रेन डैमेज का जो मरीज के मिर्गी रोग का इलाज करते क्यों है उसका कारण है। मिर्गी रोग का इलाज हमें इसलिए करना है कि मिर्गी के दौरे में मरीज का ब्रेन डैमेज हो सकता है। मिर्गी जो बार बार किसी रोगी को एक ही दिन में अगर 10 बार दौरे आ जाते हैं वो दवाई मिर्गी रोग की में ये देखा गया है कि जब लंबे टाइम तक वो दवाई लेते हैं तो कभी वो गांव से आ नहीं पाता है या कभी किसी कारणवश वो दवाई भूल जाता है या इस तरह के देखा गया है कि उस दिन उनको बहुत दौरे अचानक से बहुत सारे दौरे आ जाते हैं। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी एक साथ बहुत सारे दौरे आ जाने के
तो उसमें तो मिर्गी की मौत भी हो जाती है और उसमें मिर्गी या तो परमानेंट विकलांगता की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे दौरे आने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है और उसमें मरीज को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना था। अगर किसी मरीज को एक ही दिन में अगर पहले नहीं आते हैं और अचानक से उसके एक ही दिन में दो दौरे आ जाते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और मरीज का इलाज कराना है, क्योंकि मरीज उस टाइम हो सकता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में चले जाए और उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाए। और वैसे देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जितने मरीज को दौरे आएंगे मरीज का ब्रेन डैमेज होगा और मरीज का जितना ज्यादा ब्रेन डैमेज हो उसको वापस दौरा आने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यानी ये एक दूसरे को ये एक तरह का चक्रव्यूह है कि आप उस चक्रव्यूह में मरीज जो है फंसता जाएगा और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है कि ये मतलब चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा और अर्जुन को जो राज पता है मिर्गी का चक्रव्यूह तोड़ने का एक ही राज है कि आपको चिकित्सक जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे सलाह लेनी है। वो मिर्गी रोग को पूर्णतया समझते हैं तो आप किसी क्वैक या इसी किसी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाइए और तंत्रिका रोग विशेषज्ञ या जिनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं या कभी कभी उससे भी आगे एपिलेप्टोलॉजिस्ट होते हैं उनके आपको उनसे इलाज लेना है और जो वो दवा बताते हैं उसको पूर्णतया लेना है और उनको निश्चित समय पे लेना है और लगातार लेना है और जब तक वो मना नहीं करे जब तक वो बंद नहीं करे आपको अपने आप से दवाई बंद नहीं करनी। और अचानक से तो मिर्गी रोग की दवाई कभी भी बंद नहीं करनी है। अगर अचानक से मरीज दवाई बंद करेगा तो उसको 100% उसका रोग अगर कंट्रोल में भी होगा तो भी उसको अचानक से बहुत सारे दौरे आ जाएंगे और वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में चला जाएगा। और फिर वो अगर समय रहते इसका जो टाइम लिमिट होता है वो आधे घंटे होता है, अगर आधे घंटे से एक घंटे में अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच के उसको कंट्रोल नहीं किया तो मरीज का परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये मरीज की जो मिर्गी रोगी है और उनके सगे संबंधी उनको समझना चाहिए कि मरीज को दवा बराबर देनी है, टाइम पे देनी है, नियमित देनी है और उसको इनकरेज करना है कि वो अपने मिर्गी रोग को कंट्रोल रखे। आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं उनसे मिर्गी रोग जो है वो पूर्णतया नियंत्रित हो सकता है, बहुत बिना साइड इफेक्ट की दवाइयां हैं। तो ये मिर्गी रोगियों को अच्छे से समझना चाहिए कि उनका रोग नियंत्रित हो सकता है, उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सकता है अगर वो अच्छे चिकित्सक और जो उस रोग से संबंधित चिकित्सक है उससे परामर्श लेंगे और जो दिया गया परामर्श है उसको पूर्णतया पालन करेंगे तो उनकी जीवन का स्तर बहुत हद तक सामान्य लोगों जैसा ही होगा। डॉक्टर प्रशांत, एक बहुत ही जरूरी सवाल, रोजगार पाने में एक मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को बड़ी समस्या होती है, तो क्या मिर्गी से जूझ रहा व्यक्ति जॉब पाने में या जॉब करने में सक्षम होता है, क्या वो उसके लिए योग्य होता है? They can employ in many professions, but we have some restrictions for people with epilepsy in some professions. Like they can employ in anywhere, but they cannot be employed in job of pilot, loco pilot or train driver or bus driver. They should avoid night duties, particularly in some plants or some high risk job. बाकी कोई भी ऐसा job जो वो करना चाहते हैं एपिलेप्सी वाले पीपल वो नॉर्मल रूटीन लाइफ हम कर सकते हैं अलोंग विद ट्रीटमेंट। अगर वो रूटीन नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने में और अपना जो प्रोफेशन है उसमें कोई हजार्ड या हर्डल नहीं होगा। बट कुछ प्रोफेशन जिसमें ज्यादा अलर्टनेस चाहिए जैसे पायलट वगैरह या कुछ हाई रिस्क जॉब होते हैं, स्विमर्स लाइक स्विमर्स स्विमिंग नहीं कर सकते और नाइट वाला नाइट शिफ्ट जॉब और नाइट ड्राइविंग ये काम नहीं कर सकते, बाकी तो डेली एपिलेप्सी वाले लोग कुछ भी अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप सभी से बात करने के बाद इतनी तो क्लैरिटी आई है कि हमारे जितने दर्शक हैं वो जागरूक हुए होंगे, मिर्गी से जूझ रहे रोगियों के प्रति उनके मन में अगर कोई भ्रांति रही होगी तो वो भ्रांति दूर होगी और खास तौर पर अगर मिर्गी से जूझ रहा कोई व्यक्ति हमें देख रहा है तो वो भी इस बात को समझ रहा होगा कि वो पूरी तरह से योग्य है रोजगार पाने के लिए, वो पूरी तरह से सक्षम है इस समाज में समानता के साथ जीने के लिए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और किसी भी बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है, केवल जागरूकता की जरूरत है, सही समय पर इलाज की जरूरत है। आप सभी मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही।